जरा इस शायरी को तवज्जो दीजिएगा। चाहे तुम्हें हो कब्ज या हो बवासीर, चाहे तुम्हें हो कब्ज या हो बवासीर, बहिया में भरी सैया मारे साटा सट, खाई के इपान बनारसी। अरे वाह क्या बात है, आज मेरी जो है शादी हुई है और इस पान की जो है खासियत मैं बचपन से सुनता आया हूँ और आज मेरे खास शादी के दिन मैं इस पान को खाने के लिए आया हूँ। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। तो यार तुमने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, लाड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। यार इस कहावत का इस वीडियो से कोई मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल कोई मतलब नहीं। यहाँ के बारे में हम सुने हैं कि यहाँ एक पान ऐसा मिलता है जिसका दाम है 2100 रुपया, 2100, और पान है सुहागरात वाला। तो भाई देखें कि सुहागरात वाले पान 2100 रुपया में यहाँ कैसा होता है। और क्या नाम हुआ आपका? बाल गोपाल कुमार। बाल गोपाल जी, यहाँ पर बड़ी चर्चा में है आपकी दुकान की, वो यहाँ पर 2100 की चाय है, कहाँ है? 2100 की पान है सर। सर यहाँ 2100 का पान है। 2100 का पान है। हाँ। और 121 तरह का पान है। कितना? 121 तरह का। जितना साला इसके गांड में बाल नहीं है उससे ज्यादा इसके पास वैरायटी है। क्या फिरौती चल रही है यहाँ पे पान की? वैसे तो इनके मेन्यू में 51 तरह के पान है। भग भंग चौथ, भले ही तुम्हें पान के अंदर मुर्गी की लेंडी खिला दे पर वैरायटी कम नहीं होनी चाहिए। अबे मुर्गी की लेंडी तो होती ही है। क्या क्या बोला तूने? इक्कीसो वाला पान क्या है? क्या नाम रखे हैं? फर्स्ट नाइट पान है। फर्स्ट नाइट पान। फर्स्ट नाइट क्या होता है? फर्स्ट नाइट आप समझ, शादी अगर किए हो तो पता चलता है फर्स्ट नाइट क्या है। बताइए ना, इतना शर्मा कह रहे हैं। शर्मा कह रहे हैं, बता तो रहे हैं कि फर्स्ट नाइट पान जो सुहागरात दिन होता है वो फर्स्ट नाइट पान है। वो 2100 का? हाँ 2100 का, पति पत्नी दोनों खाएंगे। क्यों, क्या ये इनकी शादी है जो मजे करने के बजाय एक दूसरे के मुँह में पिचकारी मारते फिरेंगे? फर्स्ट नाइट पान जो सुहागरात दिन होता है वो फर्स्ट नाइट पान है। वो 2100 का? हाँ 2100 का, पति पत्नी दोनों खाएंगे। सुहाग वाली रात बादाम वाला दूध पियो, क्योंकि मांस खाने से मांस बढ़े और घी खाने से खोपरी और भाइयों दूध पीने से लड़ाई। पर साला हम का करे बे? पति पत्नी दोनों खाएंगे। दोनों खाना है? हाँ दोनों खाना। 2100 में एक पान है कि जोड़ा? दो पान है। दो गो है? हाँ, दो पान है। अबे दो पान नहीं, दो गुलाब जामुन मिलेंगे तुम्हें, वो भी काले वाले। जेब में क्या छुपा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चल हाथ ऊपर कर बेटा। अबे हाथ ऊपर कर। अबे गुलाब जामुन क्यों रखा है बे? जेब फटी है बेटा। फायर पान मतलब पेट में आग लग जाएगा क्या? आग तो लगेगी भैया, और निकलेगी तुम्हारे पिछवाड़े से, फिर नाचते रहना सुलभ शौचालय पे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज मेरी जो है शादी हुई है और इस पान की जो है खासियत मैं बचपन से सुनता आया हूँ और आज मेरे खास शादी के दिन मैं इस पान को खाने के लिए आया हूँ। अगर दुनिया में कभी किसी को पेशेंस रखने की सलाह दी जाएगी तो सबसे पहला मिसाल इस व्यक्ति की ही दी जाएगी, क्योंकि जब वे निकर पहन कर आंटियों को ताड़ता होगा, लाइन मारता होगा, तभी से इंतजार किया है इसने इस टुच्छे पान के लिए। न जाने कितनी रातें बर्बाद की है इसने इस कीमती पल को बिताने के लिए। शादी से पहले वो पान बेचता नहीं था मैं। शादी के बाद क्या हुआ, मेरी माँ ने बोली भाई ये पान खा,
अगर तेरे को अच्छा लगेगा तो उसको बेचना। मोहम्मद भाई ने अपनी सुहागरात पर यह पान खाया और उनको मिला है 100% रिजल्ट, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया इसका बिजनेस। किरण, अच्छा हुआ जो तूने सिर्फ पान बेचना शुरू किया, वरना कहीं तूने अपनी बी माई के चोदो मामो तेरा बहन के चोदो महावीर वाला तेरा मैया के चोदो वाला। तो यार अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने टूचे फ्रेंड्स के साथ। तो मिलता है यार अपना नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।